ओके तो आज हम बात करने वाले हैं WWE कंपनी के नेक्स्ट हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में। और नेक्स्ट हुए मंडे नाइट रॉ में WWE कंपनी की तरफ से कुछ ऐसे क्लू दिए गए जिसे देख करके हमें ये समझ में आता है कि अगले मंडे नाइट रॉ में क्या होने वाला है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वाले मंडे नाइट रॉ में कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं और उन मैचेस का क्या क्या रिजल्ट होने वाला है और कौन सा रेसलर किसके ऊपर अटैक करने वाला है और कौन सा रेसलर अपना हील टर्न करने वाला है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे जेवियर वुड के बारे में। जेवियर वुड और कॉफी किंगस्टन का मैच रखा गया था टैक्टिंग में टैक्टिंग टाइटल के लिए और ये मैच होने वाला था जजमेंट डे के मेंबर फिन बेलर और जेडी मैकडोना के खिलाफ। और ये मैच बहुत ही अच्छा चल रहा था। इस मैच में न्यू डे जीतने के बहुत ही करीब थे लेकिन होता क्या है रिंग साइड पे LWO आ जाते हैं न्यू डे को सपोर्ट करने के लिए और न्यू डे और जजमेंट डे के मेंबरों के साथ में थोड़ी सी झड़प हो जाती है। क्या कारण जेवियर वुड ये जान नहीं पाते कि टैग इन कौन है। जेवियर वुड जेडी मैकडोना के ऊपर अपना फिनिशर लगा करके पिन करने का कोशिश करते हैं लेकिन टैग इन यहाँ पर तो फिन बेलर था इसलिए जेडी मैकडोना के ऊपर पिन हो नहीं पाता है और जेडी मैकडोना और फिन बेलर मिलकर जेवियर वुड को हरा देते हैं। और इस हार से पहली बार जेवियर वुड अपने पार्टनर कॉफी किंगस्टन के ऊपर गुस्सा होते हैं और जेवियर वुड बैक स्टेज जाकर के LWO के मेंबर से पूछते हैं कि तुम्हें वहाँ पर कौन बुलाया। तो कॉफी किंगस्टन बताते हैं कि इन्हें मैंने बुलाया था हमारा सपोर्ट करने के लिए लेकिन जेवियर वुड इससे भी शांत नहीं होते। वो कॉफी किंगस्टन के ऊपर चिल्ला देते हैं और ये चीज देख करके एक चीज तो साफ है कि जेवियर वुड बहुत ही जल्द कॉफी किंगस्टन के ऊपर हील टर्न करने वाला है। आया था नेक्स्ट वाले रॉ में हमें ये देखने को मिल सकता है कि जेवियर वुड हील टर्न कर दे कॉफी किंगस्टन के ऊपर। और अगले वाले रॉ में एक जबरदस्त मैच हुआ था ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमैन दोनों के बीच में और ये मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया क्योंकि इन दोनों रेसलर की तरफ से हमें भर भर के ब्रॉल देखने को मिला। ब्रॉनसन रीड अटैक करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर, ब्रॉन स्ट्रोमैन अटैक करते हैं ब्रॉनसन रीड के ऊपर और ये दोनों रेसलर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव मोड में आ गए थे। एक दूसरे के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रहे थे लेकिन थोड़ी देर बाद ब्रॉनसन रीड को यह समझ में आ जाता है कि मेरा भागना ही सही होगा इसलिए ब्रॉनसन रीड वहां से भाग जाते हैं लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन रुकते नहीं, वो बैक स्टेज जाते हैं और ब्रॉनसन रीड को बहुत बुरी तरीके से तोड़ना शुरू कर देते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन ब्रॉनसन रीड को दीवार के ऊपर धक्का मार देते हैं जहां पर ये दोनों रेसलर ही धराशाही हो जाते हैं और यह मैच बिना रिजल्ट के यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वाले राउंड में इन दोनों रेसलर के बीच में हमें एक स्पेशल मैच देखने को मिलने वाला है और इन दोनों रेसलर का मैच एक स्पेशल स्टिपुलेशन मैच रखा जा सकता है। और बात करें हमारे WWE कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर और सेमी जेन की तो लगातार दो राउंड से यह दिखाया जा रहा है कि इन दोनों का मैच बनने ही वाला है लेकिन गुंथर हर बार सेमी जेन को चैंपियनशिप बेल्ट के लिए मौका देने से इनकार कर दे रहे हैं। और नेक्स्ट वाले राउंड में लुडविक आइजर ने सेमी जेन के ऊपर अटैक कर दिया था लेकिन सेमी जेन थोड़ी देर मार खाने के बाद उल्टा लुडविक आइजर के ऊपर अटैक कर देते हैं और सेमी जेन लुडविक आइजर को एक हलवा किक दे करके वहीं पर धराशाही कर देते हैं और गुंथर को साफ साफ ये मैसेज देते हैं कि मैं तुम्हें बेड ब्लड के अंदर में हरा सकता हूँ। और नेक्स्ट वाले रॉ में हमें लुडविक आइजर वर्सेस सेमी जेन के बीच में एक मैच देखने को मिलने वाला है जहाँ पर सेमी जेन लुडविक आइजर को बहुत बुरी तरीके से हरा करके गुंथर को चैलेंज करने वाले हैं और गुंथर अपने पार्टनर का हार का बदला लेने के लिए सेमी जेन को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका दे सकते हैं बेड ब्लड के लिए। इस टॉपिक के बारे में बात करें तो बेसिन बर्लिन के अंदर में ड्रू मैकइंटायर तो हार गए। ड्रू मैकइंटायर अपने हार के बाद में सीएम पंक के ऊपर बहुत तगड़े तरीके से अटैक कर देते हैं और ये अटैक इतना ब्रूटल होता है कि सीएम पंक का पूरा हालत खराब हो जाता है। और नेक्स्ट वाले रॉ में आकर के सीएम पंक ने ड्रू मैकइंटायर के ऊपर प्रोमो कट किया। सीएम पंक ने ड्रू मैकइंटायर के बारे में ये बोला कि मैं तुम्हें बेड ब्लड के अंदर में पूरा धराशाही करने वाला, बेड ब्लड के अंदर में मैं तुम्हारे साथ में वो करने वाला हूँ जो तुमने सोचा नहीं होगा और बेड ब्लड के अंदर में इन दोनों रेसलर का हेलिना सेल मैच होने वाला है लेकिन मुझे नहीं लगता कि बेड ब्लड पीपी तक सीएम पंक ड्रू मैकइंटायर का इंतजार करने वाले। ड्रू मैकइंटायर अगले रॉ में आने वाले हैं तो ड्रू मैकइंटायर के ऊपर सीएम पंक अगले रॉ में ही अटैक कर सकते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे जे उसो के बारे में। जे उसो का मैच होने वाला है अगले वाले रॉ में ब्राउन बेकर के साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए और बहुत लोगों का कहना यह है कि जे उसो ब्राउन बेकर को हरा करके ब्राउन बेकर को पहली बार हार देने वाले हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होने वाला है क्योंकि जे उसो के ऊपर कोई और टीम अटैक करने वाला है और वो टीम और कोई नहीं जजमेंट डे होने वाला है। नेक्स्ट वाले रॉ में जजमेंट डे ने रिया रेफ्ली और डेमियन प्रीस्ट के ऊपर अटैक किया जिसे बचाने के लिए लगभग आ ही गए थे हमारे जे उसो लेकिन ब्राउन बेकर ने आकर के जे उसो के ऊपर अचानक से स्पीयर लगा दिया इसके कारण जे उसो रिया रेफ्ली के हेल्प नहीं कर पाए लेकिन कई मौकों पर आकर के जे उसो ने रिया रेफ्ली का हेल्प किया है। इसी चीज का बदला जजमेंट डे जे उसो से लेने वाली है। जजमेंट डे नेक्स्ट वाले रॉ में आकर के जे उसो के ऊपर अटैक करने वाले इसके कारण जे उसो अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच को हारने वाले हैं। बाकी और किसी का कुछ भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।